जिस तरह आपको अच्छा लगे, अगर तोड़े तो मनहल अक्रम वाला है। अच्छा अच्छा, सही सही। वैसे ना बातें तो आप बहुत कीमती बताते हैं हमें, ऐसे बेगारती कर रहा है ऐसे ना? बेगारती कर रहा है। माशाल्लाह जी, गैस जो है अभी सिलेंडर में जा रही है, तबीयत सेट करा? मैं क्यों करा? तू छिता ही। सिलेंडर खोल लिया है, ये आ चुका है बाइक के ऊपर, और अभी बाइक निकाल के फ्रिज चल गई है, ऊपर से स्विच लगा के फिर स्विच में से ये लगाया। रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग ये हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ, आज का आपको दिखाते हैं मज़ेदार सा व्लॉग। और सुबह सुबह जैसे रूटीन के हिसाब से आपको पता है काम वगैरह होते हैं, और इधर देखें बर्तन वगैरह जो है वो धुलाई हो रहे हैं। हाँ जी। और उसके बाद मेरे जो काम है ना, ये देखें किचन की क्या हालत बना दी इन्होंने, इसके अंदर आग जला दी, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। और सुबह देर हो रही थी ना बच्चों को, बच्चे तो स्कूल जाते हैं ना, तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय जैसे ही बनी तो गैस ख़त्म हो गई। फिर मैंने लकड़ियाँ वगैरह तलाश की, ढूंढी, फिर वो लेकर आई यहाँ पर, ईंटें रख के फिर मैंने चूल्हा बनाया, फिर यहाँ पर रोटियाँ बनाई, बच्चों को खिलाया, फिर बच्चे स्कूल चले गए। अच्छा, हाँ जी। चले जी, अभी जो है ना मेरे जो काम है वो सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ कि गैस सिलेंडर जो है ना वो भरवा लेते हैं, क्योंकि आज क्या है, हफ्ता है ना? आज हफ्ता है। तो दुकानें वगैरह अभी खुल गई होंगी गैस वाली, सबसे पहले गैस भरवा के आते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर शादी का जैसे माहौल चल रहा है, मेहमान वगैरह भी आते जाते रहते हैं, तो ये ना हो कि आगे गैस ना हो, कोई चाय वगैरह बनानी पड़े या कुछ जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना वो फिर मसला बनेगा। तो गैस भरवा के वो रख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी जैसे भी काम होते रहेंगे वो भी करते रहेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और इधर बर्तन वगैरह इन्होंने लगता है बाकी सारे धुलाई कर लिए हैं, ये देखें ये टोकरा जो है इन्होंने धुलाई कर दिया है, और ये पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे कर रही है, फुल बंद भी नहीं की इसको, ये देखें अभी बंद हो गई है, नहीं तो इसका भी शोर आ रहा था टन 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 टन। अच्छा, किचन में झाड़ू लगाना है, सफाई करने वाली है, और क्या है बस, और बस आपका काम तो और नहीं है ना? और है। और क्या है? और जो है ना वो गद्दा सिलाई करना है, और उसके बाद जो है ना और भी काफी सारे काम पड़े हैं। अच्छा, चले फिर मैं ये सिलेंडर खोल लूं। मैं सिलेंडर भरवा के आता हूँ। और सरफ भी लेते आना। सरफ काल तो लिया था। हर रोज कपड़े धुलाई होते हैं आपको पता है ना, काल का दिन हमने नहीं धोए, आज काफी सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। अच्छा, तो आज लेकर आओगे तो वो बिजली दूसरी मेरे ख्याल में अभी तक पता नहीं आई है, चेक की है आपने? नहीं, मैंने नहीं चेक की। चेक कर लेते, अगर आई हुई है तो फिर मशीन वहीं पर लगा लेती, और फ्रिज भी चलानी है, फ्रिज भी चला लेते। अभी चलता हूँ जी, वो लाइट वगैरह जो है ना वो आई नहीं है, लगता है उसका बटन वगैरह जो है ना वो बंद होगा, तो चल के वो चलाते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि कपड़े वगैरह धुलाई करने वाले हैं वो भी धुलाई करते हैं, तो मैंने कहा बिजली चला वाला, फिर उसके बाद जो है ना वो करूँगा, क्या कहते हैं, गैस भर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत फिट है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे नाश्ता पानी बनाया है, बस सफाई सफाई हो रही है। अच्छा, आप सुनाए अपनी तबीयत का। तबीयत सेट नहीं हो रही, दवाई जो लेने गए थे, दवाई लेकर आया था, पानी भी पी रहा हूँ अभी काफ़ी ज़्यादा, और दवाई भी खा रहा हूँ, उसके अलावा फिर वो दवाई जैसे भी वो खाता हूँ फिर मोशन शुरू हो जाते हैं, काल के मोशन लगे हुए हैं। फिर उनका नंबर नहीं है, डॉक्टर का उनसे रابطہ करके देखें, बताएं नंबर तो है उसका, उनको कहा करके बोलो मैं दवाई
मोशन जो है ना काल का लगे हुए है और कोई काम सीधा नहीं करने देते। काम का इरादा करता हूँ फिर भागता हूँ, फिर काम का इरादा करता हूँ फिर भागता हूँ। माशाल्लाह जी सब्जियां जो हो गई है ना, लगता है ऐसा ही है। उधर से देखो लहसुन इतना बड़ा हो गया है। हाँ उधर पानी ज्यादा खड़ा हो जाता होगा, उधर इधर का जो वो था ना हाल सारा उधर जाके रुक गया, पानी की वजह से उधर इकट्ठा हो गया और जल्दी फिर ऊपर हो गया। ये देख, और इनको धूप लगती है मुंगरे, ये सही हो रहे हैं, उनको धूप नहीं लगती। हाँ इधर से आती होगी धूप, चले हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। नीचे तो पानी जाता है नीचे, है ना, इधर से पानी छोड़ते हैं ना, जमीन में जाता होगा। जमीन में नहीं जाता वो, नीचे तो ऐसा नज़र आ रहा है। चलें जी अभी बिजली जो है वो चला ली है, अभी चलते हैं। फ्रिज जो है ना वो भी चला देते हैं और उसके बाद वाशिंग मशीन, वो तो जब सरफ लेके आऊँगा उस टाइम चलेगी, या हो सकता है सरफ थोड़ा बहुत पड़ा हो, फिर देखते हैं चल के। अभी उठाते हैं थ्री स्विच, ये आ गया हमारा थ्री स्विच, और अभी चलते हैं ये लगाते हैं उधर बोर्ड में और चलाते हैं सबसे पहले फ्रिज, क्योंकि फ्रिज दिन को चलती रहती है ना, फिर हमारा बिजली का काफ़ी बचत हो जाता है। फ्रिज चल गई है, ऊपर से स्विच लगा के थ्री स्विच में से ये लगाया और फ्रिज हमारी जो है ओके हो चुकी है। ये देखें ये कंजेयर क्यों रखी है इसके अंदर, ऊपर रखी हुई थी तो फिर याद नहीं आई। अच्छा मैं अभी वो खोल लूँ सिलेंडर और सिलेंडर भरवा के आऊँ सबसे पहले। सिलेंडर खोल लिया है, ये आ चुका है बाइक के ऊपर और अभी बाइक निकाल के चलते हैं गैस सिलेंडर वाली दुकान पे, शॉप पे, उधर से गैस भरवाते हैं फिर आते हैं वापस, क्योंकि बाइक भी धूप के ऊपर खड़ी हुई है, इसको भी वापसी आके छाँव पर खड़ा करेंगे। माशाल्लाह जी इधर पहुंचा हूँ, शॉप जो है वो थी बंद और इधर जो है ना सिलेंडर वगैरह रखे हुए थे, और ये देखें भाई जान भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, तबीयत यार जनाब फिट है, मैंने सोचा पता नहीं किधर गया। चलें जी अभी गैस भरवाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे। जी गैस जो है अभी सिलेंडर में जा रही है, बड़े सिलेंडर में से निकल के छोटे सिलेंडर में जा रही है। चलो जी सिलेंडर जो है वो भरवा के लेके आ चुका हूँ, ये देखें, और चूल्हे के साथ भी लगा दिया है, और चूल्हे के लगता है धुलाई वगैरह भी हो चुकी है, साफ़ सुथरा बना के रख दिया है। मैंने कहा ये वाला जो है ना लगा के रख लेते हैं, और ये थोड़ा ना भीतर रखा है, थोड़ी हवा लग जाएगी वो सूख जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर इसको उसकी अपनी जगह पर रख देंगे। और सिलेंडर के लिए ना एक जगह बनानी है, ताकि ये नीचे मिट्टी पर रखते हैं ना तो इसका तल वगैरह जो है ना वो ख़राब हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि नीचे ना कोई ईंटें वगैरह लगाएं फिर इसको उसके ऊपर रखें, ताकि ये पानी वगैरह ये चीज़ें लगती हैं ना तो फिर वो सेम की वजह से ना इसका तल वगैरह जो है ना वो ख़राब हो रहा है। ये जो पड़ा है सीमेंट वाला वो सही नहीं है, इसके ऊपर नहीं बैठेगा, ये वही ईटों वाला, दो तीन ईटें इकट्ठी है ना, वो नीचे रख के उसके ऊपर ये सिलेंडर रख देते हैं, क्योंकि इसको पानी से बचाना है सिर्फ। नीचे जब सेनल होती है ना किचन में आप लगाते हैं झाड़ू, फिर पानी जैसे अभी लगाया छिट्टे जाते हैं, सेनल की वजह से ये ख़राब हो रहा है। न्यू सिलेंडर है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा फिर। वही दो ईटें रखी हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, वो नीचे रख के ऊपर ये रख दें, रखा रहेगा। मैं तो ऐसे नीचे फेंक देती हूँ, वो ऐसे नीचे फेंक देती हूँ, इसलिए तो इसका देखा है नीचे सारा वो ख़त्म हो रहा है,
इसके कन्नी वगैरह जो नीचे तल है ना वो खराब हो रहा है, कलर उखड़ रहा है इसका। कलर को तो कोई नहीं है इशू, कलर तो और भी हो जाएगा यार, ये वैसे भी न्यू नहीं है सिलेंडर, लगता है जैसे कि पुराना हो और कलर किया हो। ये न्यू था बिल्कुल ही, आपको ऐसा लगता है? अभी एक साल भी नहीं हुआ इसको ले। तो आपने खुद तो कह रही हो जहाँ दिल करता है फेंक देती हूँ, तो फेंकने से फिर ऐसा ही होगा, किचन में रख देती हूँ जहाँ दिल करता है वहीं रख देती हूँ। ये साल हो गया है इसको, इसकी कंडीशन देखे, अभी कहती है ये जो है ना न्यू नहीं है, जिसको साल पूरा चला पड़ा है, अभी देखें इसकी कंडीशन, और जहाँ पर दिल करता है वहाँ पर फेंक भी देती है। ये भी आपने जरूर देखना है कि जहाँ पर दिल करता है पानी है कचरा है जहाँ पर इसको फेंक देती है। कचरा पानी कहाँ होता है किचन में देखें, ये अभी पानी नहीं लगाया आपने, वो देखें वो दीवार के साथ साथ कितना सेम है। अगर इसको उधर रख, से मैं आई हूँ ना किचन को तो धोया भी नहीं है, ऐसे पड़ा है, सारी मट्टी है, मतलब पानी की निकासी नहीं हो रही ना ही साफ हो रहा है फर्श वगैरह में, तो ये किचन का फर्श ऐसे चमक रहा होता था कि आपको क्या बताऊं। वो काल भी मिस्त्री को मैंने बोला है परसों वाला दिन, मैंने कहा ये पाइप निकाल दो निकासी वाला, क्योंकि धुलाई करते हैं अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो जाता है माहौल, तो अभी तो मैं ऐसे ही बस झाड़ू लगा लेती हूँ और तो कुछ करती नहीं हूँ। चलें जैसे भी है, अब इसको जो है ना वो ईंटें रख के इसको ऊपर रख दें और ये चूल्हे को भी नीचे रख दें, इसको मैंने धोया है अभी। करने पे आवे, करने पे आवे ना, क्यों करने पे आवे, हरकता क्यों करने पे आवे, किधर में पे हो? सदी करने का करने में पे इतना ही कर, हरकता करने कितने आंदे पे हो, किधर में पे हो? उड्डू कानवे में पे है इधर, बोला इधर क्या करना है वे वेंदा तो उड्डे पे आवे, बोला इधर क्या करना है वे हरकता करण, हाँ तो भी ये सेट का रखे था तो मैं क्यों ना करा, मैं तो तबीयत सेट करे सा, मैं तो तबीयत सेट करे ना आज हैदर की तबीयत सेट करूं, वो कहता है हाँ, सदीक कहता है करो, किसकी इसकी तो ठीक है तबीयत, ठीक है ना, वो कहता है मेरी ठीक है, आपकी ठीक नहीं लग रही मुझे, हाँ ठीक है, हरकता कितनी ना फिर तेरी ओ झंभाड़ कढ़ांगा ना याद करेगा तू, है ना सही है, तबीयत सेट करा मैं क्यों ना करा, है तू छिता ही बोला, मैं क्या करा छिता ही था तेरी, मैं अच्छा इन्हें तबीयत सेट करवाए, हाँ इसकी तबीयत सेट करने वाली है, करते हैं इसकी तबीयत सेट, अभी करूं तो आपकी तबीयत सेट करूं, हैं क्यों नहीं करूं, तो बदमाश है क्यों, तो बदमाश है क्या, साइकिल खेल रहे हो, फिर मेरे घर क्यों आए हो, मैं गेट कर लो, इन्हें गेट करो, उड्डू तरी करो, मेरे घर में क्यों आए हो, किधर से उधर से, तो गेट से चलो जाओ, इधर से जाओ, इधर से ऐसे हरकता ना करा है, हाँ हरकता करे सी, करे सी हरकत की तरह, तबीयत सेट कर रखे था, अच्छा ठीक है माशाल्लाह जी, बच्चों वगैरह के साथ जो है ना थोड़ी हंसी मजाक की है जैसे आप देख रहे थे, और अभी चलते हैं इधर, चल के देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और माशाल्लाह जी इधर पहुंच चुके हैं, लेकिन इधर लगता है कोई भी नहीं है, कहीं चले गए हैं क्या, लगता है ऐसे है कहीं चले गए हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है घर में, कोई नहीं है, सिर्फ चटाइयाँ पड़ी हैं और कोई भी नहीं है, मेहरान और ढोलू जो है ना वो खड़े हुए हैं, किधर गए हैं, मनाह लकड़ा वालों के घर गए हैं, अच्छा ढोलू आप क्या कर रहे हो,
बैल चला रहे हो? अच्छा चलें जी अभी चलते हैं, इधर आया था लेकर इधर जो है ना वो कोई भी नहीं है, वो उधर चले गए हैं। जैसे आपको पता है कि सुबह का टाइम है तो चक्का चुक्का लगाते रहते हैं, और इधर माशाल्लाह सफाई वगैरह ओके हो चुकी है, और अभी हम चलते हैं बहर की तरफ और बहर का व्यू वगैरह जो है ना वो देखते हैं, उसके बाद जो है फिर बल्कि इधर जाते हैं वापस, क्योंकि इस टाइम आपको पता है फिर घर में कोई भी नहीं है, जब वापस आएंगे फिर देखेंगे। और ना कल का नादिया बना रही है ये वाला गद्दा, कल का इधर कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है, ये नहीं बन रहा अभी तक भी। उसके बाद ये बिस्तरा जो है ना ये हमने बना कर रख दिया है, ये रजाई भी बन गई है जैसे आपको मैंने दिखाया था, ये नीचे तकिया है और नीचे जो है ये कंबल है। अभी इसको ना क्लोज करके फिर एक जगह पे ना रख देते हैं, क्योंकि बाहर ना ये धूड़ मिट्टी वगैरह हो रहा है, इसको साफ़ सुथरा बना के ना रख देते हैं, और वो हमारे अपने बिस्तरे हैं, और ये गद्दा वगैरह जो है ना ये बनाया जा रहा है ये भी अपना है। तो देखते हैं कि आज भी ये गद्दा बनता है कि नहीं, जब भी मैं पूछता हूँ कहती है आज गद्दा बनाना है, गद्दा बनाना है, तीन दिन से सुन रहा हूँ, जब भी कोई काम बोलता हूँ कहती है वो मैंने गद्दा बनाना है, फिर शाम हो जाती है फिर पूछता हूँ वो गद्दा बन गया नहीं, वो अभी बनाने वाला है। ये तीन दिन से इधर कुर्सी के ऊपर बन रहा है, बाहर भी जाता है, उधर चटाई बिछा के उधर भी चला जाता है ये गद्दा, फिर पता नहीं एक आज सिलाई लगती है नहीं लगती, फिर वापस आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, बताओ भाई क्या हाल है, तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मेरी बात वो जुकाम का भी मसला है और कुछ वो मोशन का भी मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप जो है ना पांच मम्मी जान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा गला खराब था ना जुकाम की वजह से, आपको पांच दाने काली मिर्च के जैसे टैबलेट निकालते हैं ना पानी के साथ, डेली के गला भी खराब हो जाएगा, काली मिर्च पानी के साथ हकीम तो वैसे तकड़ा है, लेकिन ये हकीम ने तो मुझे कुछ खराब किया, तकड़ा है पर अपनी बेगम का गला नहीं ठीक कर सकता। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जब से इस्तेमाल किया है ना अब ठीक है। अच्छा फिर मैं ये इस्तेमाल नहीं करती ना, बताते तुम्हारे हम, लेकिन वो इस्तेमाल करें तो फिर फायदा। हाँ एक आध दिन इस्तेमाल करती होगी फिर अच्छा, शाम को खाने चाहिए या सुबह खाने चाहिए? नहीं, वो कड़वी काफी होती है ना तोड़ने में, थोड़ा नहीं इन्होंने तो उधर अदरक भी हमें खिलाई थी ऐसे वो सलाद बना के अदरक की, लेकिन वो चूसे कौन यार, हमें पे तो चेत नहीं हो कहा वैसी काम कर देगा नहीं भाई, कहाँ की तैयारी है, लगता है कहीं कि आपकी तैयारी है? अच्छा पार्टी पे जा रहे हैं, किसकी पार्टी आ गई? मनहल अक्रम वाले, अच्छा अच्छा सही सही, मैंने कहा चक्कर वगैरह लगाए क्योंकि मुलाकात नहीं हुई ना कल की, हम भी रात को आपको मिस करते रहे,
नहीं आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, चक्कर लगाऊंगा। तो वैसे आपकी आवाज जो है नाक से निकल रही है, पता चल रहा है। वो जुकाम की वजह है सारी, खांसी भी है जुकाम भी है, इस वजह से जो है ना। उधर जब फंक्शन पे जाता हूँ वो कहते हैं सॉन्ग सुनाओ, फिर गला खराब हो, फिर मजा नहीं आता। अच्छा एक इमरजेंसी नुस्खा भी आपको बताता हूँ गला साफ करने का। जब आप सॉन्ग कर रहे हो तो उस वक्त आप इमरजेंसी में अगर चाट लेना तो बिल्कुल आपका गला साफ हो जाएगा। शहद नहीं, ये नमक सफेद जो होता है जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में भी, नमक ठीक है, वो इलायची, ये दोनों का जो है ना आप इलायची का सफूक बना लें। अगर काला नमक मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, काली मिर्च, ये तीन चीज़ें इसका सफूक बना के अपनी जेब में रखें। जब भी आपका ये मसला हो रहा गले का, थोड़ी सी आप चुटकी चाट लिया करें, ये फौरन गला साफ कर देती है। लेकिन ये जो आपने बताई है मुझे एक भी समझ नहीं आई। काली मिर्च, छोटी इलायची, हाँ, और नमक सफेद या काला नमक, छोटी इलायची, इनको यहाँ के ग्राइंड कर लेना है, इनको ग्राइंड कर फक्की बना लेनी है, फक्की बना लेनी है। हम नमक भी तेज नहीं डालना, तीनों चीजें एक जितनी हो मतलब सही, काली मिर्च, छोटी इलायची और नमक, ये तो अभी ले लेते हैं। इसका सबूत बना के रख ले, ये फौरन इमरजेंसी में जो है सही है। चल चलें जी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। ये ना ये गला तो अभी ऐसा लगता है कि साफ है, लेकिन बात यह है कि जुकाम की वजह से आवाज़ चेंज हुई खड़ी है। पुराना जुकाम हो उसका भी नुस्खा बता दे। हाँ, जमा खड़ा है जुकाम, जो जमा खड़ा है उसका भी मुजरब नुस्खा है। चने भुने हुए 7 दाने और एक काली मिर्च, नहीं 3 काली मिर्च, 7 दाने चने के, सुबह निहार मुंह पूरे 7 दिन खाने हैं, ठीक है। और दूसरे हफ्ते 14 चने 4 काली मिर्चें, तीसरे हफ्ते 21 चने 5 काली मिर्चें, ये 3 हफ्ते इस्तेमाल करें। जो पुराना जमा हुआ जुकाम है, रेशा है दिमाग वाला, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ये ग्रंटेड है। अगर ना समझ आया दोबारा फिर ये वीडियो पे, हाँ वो तो वीडियो है ना, वीडियो तो मौजूद है, देख लेंगे फिर। ये मुजरब नुस्खा है, बाकी हकीकत जो दिमाग का रेशा होता है ना, ये उसके लिए, ये बिल्कुल पिघला के जो है ना खत्म कर। वैसे ना बातें तो आप बहुत कीमती बताते हैं हमें, यानी कि ये नुस्खे वगैरह बहुत कीमती होते हैं जो कि मुफ्त में कोई भी नहीं बताता, बिल्कुल कोई नहीं बताता। तो आप बताते हैं और बाकी वो अमल करना हमारे ऊपर है, हम उसके ऊपर अमल दरामद करें ना करें। बुखल शिकनी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के लिए है। जो भी आपके अंदर छोटा थोड़ा सा भी इल्म है कोई दूसरे को बताए, तो ये नुस्खे जो बताए हैं ये मुजरब नुस्खे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अजमूदा है, अजमाए हुए हैं। चले जी मेहरबानी। और अभी ये जा रहे हैं जी कहीं पार्टी पर, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि रात ये है ना मुझे उधर फंक्शन पे वो दूल्हे साहब भी आए थे मुझे बुलाने के लिए, लेकिन मैंने कहा था मेरी ना तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनको सॉन्ग वगैरह सुनाएंगे और न्यू सॉन्ग सुनाएंगे। और हम जो है ना बिल्कुल इंतजार में हैं, आज आऊंगा मैं, अगर आप होंगे तो आज आऊंगा। नहीं मैं आज जाऊंगा उधर। ओके ओके जी, डन हो गया, इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। हां रात थोड़ी तबीयत भी आप सेट थी, जगराता था, थकावट थी, इसलिए जो है जब आप वहाँ पे सोए ना, जिस तरीके से सोए हुए थे हमने वो पिक्चर बना के दिखाएंगे। चले अल्लाह पाक बेहतरी करे जी, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए, आप शाम तक जो है ना बिल्कुल फिट हो जाए हमारी दुआ इंशाल्लाह। कुल के नाम में जितने भी कोई किसी मुसीबत में बीमार है परेशानी में, अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता, आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह जी वापस आ चुका हूँ, घर पहुँच चुका हूँ, और इधर जैसे भी आया ना, हाँ अम्मी जान भी आई बैठी है। हाँ जी जैसे भी आया ना, हाँ तो ना दिया फिर गद्दे को उठा, हाँ फिर वही गद्दा जो है ना जो पहले मैं आपको दिखा रहा था वही है। अभी देखे इसके अंदर से ना इन्होंने कितना सारा कपाह निकाल दिया, काफी भारी था, वजनी था। तो सारे कपाह तो आपने निकाल दी, फिर गद्दे में बच्चा क्या है, ढेर मोटा नहीं होता। अच्छा ज्यादा मोटा था इसलिए मैंने ना, मैंने कहा उठाने में और
ये जो है ना कुछ आसानी हो जाएगी धोने में भी। ये तो सारा खराब हो जाएगा, ये तो एक पूर का गद्दा होता है, जैसे आप वो कपाह है ना, ये एक में होती है, आपने छिल फाड़ चीर दी सारी, इसको फिर दोबारा फाड़ू चीरूंगी, फिर इसके ना तकिए बना दूंगी। अच्छा, और अम्मी जान आप सुनाए कैसी है तबीयत सियाद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जबरदस्त है, शुक्र है अल्लाह पाक का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन जाने क्या कर रहे हो? हसन जाने कैसे बैठने नहीं देता। अच्छा, चलते फिरते रहा, एक जगह पे नहीं बैठो? हाँ, ऐसे होए? पता नहीं नींद आई हो या पता नहीं, नींद नहीं आई होगी, नींद होती तो फिर आंखों में नींद होती, अभी जगह कोई नींद शींद नहीं है इसको, ऐसे बेगरती कर रहा है, ऐसे ना बेगरती कर रहा है, नींद आई है बाकी क्या कर रहे हो, बेगरती कर रहे हो या नींद आई है? चाचू आधे नींद आई है, नींद आई है, नींद आई है या बेगरती है? अच्छा अच्छा, बेगरती है बोलता है, बेगरती है। चलें जी, और इधर गद्दा जो है ना, दुआ करें कि आज सिलाई हो जावे, आज जो लगता है हो जाएगा, और पीछे पड़े हुए नहीं, क्योंकि एक बार जो चीज सिलाई होती है वो अच्छी होती है, कल आपको पता था वजनी है तो आप ना सिलाई करती, सिलाई भी किया, सिलाई कहाँ की थी, ऐसे डाला था सिर्फ, इसका जो है ना मुंह सिया था थोड़ा सा बस। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं जी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी वीडियो, अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।